अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। समधन जी, अगर आप बुरा ना माने तो थोड़ी देर के लिए मैं अपनी बहू से बात कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं है, इसे पूछने वाली बात है। पर बताइए कौन सी वाली, बड़ी बहू के छोटी बहू? मेरी तो एक ही बहू है रिमझिम। रिमझिम दीदी से क्या कहा मैंने? You know, I am so proud of you, beta. So proud of you. तुम वो लाई ना मैंने जो कहा था? जी जी। ये रहा वो लेटर जो शिव ने शक्ति को दिया था। अब ऐसी क्या बात करनी थी इस मंदिर है भाभी को, हैं? ये भाग मिल्खा भाग की तरह भाग भाग के आगे पीछे। हम भी तो यही सोच रहे हैं चाची जी। अब वैसे तुमने ये लेटर खोला तो नहीं ना बेटा? नहीं नहीं मम्मी जी, आप ही कहते हो ना कि हमें हमारी चीजों में खुश रहना चाहिए। जो चीज हमारी है हमें उस पर किसी और की नजर नहीं पड़ने देनी चाहिए, और जो चीज किसी और की है हमें उस पर नजर नहीं रखना चाहिए। सच में मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली है। वैसे काश ये पूरी दुनिया तुम्हारी जैसी होती, पूरी दुनिया ही काशी होती। मम्मी जी हम समझे नहीं, आप किसके बारे में बात कर रही है? नहीं कुछ नहीं, बस अरे बताइए ना। दरअसल वो नहीं शिव 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 शिव, कहीं रिश्ते में खटास ना पड़ जाए, मैं नहीं बता सकती। बताइए ना मम्मी, हम आपकी बहू थोड़ी है। ऑफ कोर्स बेटा, तुम मेरी बहू थोड़ी हो, तुम तो मेरी बेटी हो। हम तो कहेंगे कि हम आपकी बेटी भी नहीं है, हम तो बेस्टीज है, है ना? हाँ बेस्टीज। और बेस्टीज तो वो होते हैं जो सारी बातें शेयर करते हैं। तो बताइए। अब वो क्या है ना कि मेरा दिल थोड़ा कमजोर है, मुझे छोटी छोटी बातों से डर लगने लगता है। कैसे बताऊँ, समझ में नहीं आ। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। क्या? हमें तो अपने सपनों का राजकुमार मिल गया, लेकिन हम अपनी आखिरी सांस तक टी और कीर्तन की शादी रोकने की कोशिश करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। तुम तो खुश हो ना? हमें पता है कि डॉक्टर शिव और हमारे रिश्ते में प्यार भी होगा, सम्मान भी होगा और भरोसा भी। लेकिन रिमझिम दी को कीर्तन से ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। हमें तो अपने सपनों का राजकुमार मिल गया, लेकिन हम अपनी आखिरी सांस तक दी और कीर्तन की शादी रोकने की कोशिश करेंगे। अब ये रिकॉर्डिंग एडिट होगा और फिर उतना ही दिखाया जाएगा रिमझिम को जितना की जरूरत है। चलो अच्छा है, ये सास बहू की पट तो रही है, पर नहीं इसका तो इतना ही खतरा था ये बांदरी का। मुझे तो लगा था कि इसकी सास इतनी शिकायत करेगी ना मुझे कि शिकायत विभाग का ना एक अलग कॉल सेंटर खोलना पड़ता उसकी शिकायत सुनने के लिए, पर बच गए बप्पा बच गए। हे भोलेनाथ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुम्हें ये वीडियो नहीं दिखाना चाहिए था। आखिर वो तुम्हारी बहन है, तुमको कितना बुरा लग रहा होगा तुम्हारी बहन के बारे में ये सब जान के।
कितनी बातचीत करती है ये है? और बोलती है इसकी सास और एक तेरी सास है जो मुंह में दही जमा के बैठी है, कभी बोलती नहीं, एकदम ऐसे पीछे खड़ी रहती है भूत की तरह, कभी होती है कभी अचानक गायब हो जाती है ना, समझ नहीं आते। इतनी मुश्किल से दीदी के साथ सुलह हुई है, कहीं मंदिर आंटी वापस से जहर ना खोलते। नहीं, वो हमारी बहन नहीं है, ना कभी थी और ना कभी रहेगी। हम भी पागल थे जो इसे अपना बहन मानते थे, लेकिन अब तो साफ पता चल रहा है कि इसने कभी हमें अपना बहन माना ही नहीं। इसे तो हम अभी बताते हैं। नहीं नहीं रिमझिम, ऐसा कुछ मत करना, बिल्कुल नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। शक्ति जितनी मासूम दिखती है ना, उतनी है नहीं। तो तुमने अगर कुछ भी कहा और उसने बात को घुमा दिया तो पता है क्या होगा, सब उसे हीरोइन बना देंगे और तुम्हें साइड हीरोइन की भी साइड हीरोइन। कहीं ऐसा ना हो कि उसके गुणगान बनाने में सब लोग रील्स बनाए और तुम्हें अनफॉलो कर दे, ब्लॉक कर दे। समझ रही हो ना, कितनी मुश्किल से तो तुम्हारी और कीर्तन की शादी तय हुई है। मैं नहीं चाहती कि इस शादी में कोई भी प्रॉब्लम आए। शक्ति तो पहले हाँ भी नहीं कह रही थी, उसके वजह से क्या क्या हो गया। पता है, शक्ति को अगर तुम्हारी बात बुरी लग गई और उसने शादी के लिए फिर से ना कर दी तो मेरे घर वाले तो तुम्हारे और कीर्तन की शादी भी तोड़ देंगे। देखो प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, मेरा ये सपना मत तोड़। मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही हूँ कि तुम मेरे पास मेरी बहू बनकर आओ। रिमझिम, जब तक ये शादी ना हो जाए प्लीज कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।